नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के बाहर शव रखकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने हंगामा किया, जहां हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर खतौली थाने पर ग्रामीणों का हंगामा जर रहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा क्षेत्र के गाँव खांजापुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने गाँव के एक युवक का शव खतौली थाने के बाहर रखकर कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि खतौली के गाँव खांजापुर गांव में करीब 20 दिन पहले लड़की छेड़छाड़ को लेकर मामला हुआ था, जिसमें मृतक भी बीच बचाव कराने के लिए गया था, लेकिन आरोपियों द्वारा उक्त युवक के साथ ही मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसका मेरठ में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जहां पोस्टमार्टम की कार्यवाही के बाद उसके परिजन उसका शव लेकर खतौली थाने पर पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में थाने में कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर सीओ स्तर के अधिकारी व प्रहरी पुलिस फोर्स और थाना कोतवाली पर घंटों चले हंगामे के बाद मौके पर सीओ खतौली डॉक्टर रवि शंकर मिश्रा के आश्वासन पर सभी ग्रामीण शव को लेकर अपने गांव की तरफ लौट गए। गलत करा गया छुटा के, जब यह गांव में लड़ाई होगी कहीं भी किसी भी विपक्ष पार्टी में हो जाए तो क्या हम छुटाएंगे नहीं है? क्या हम मुंह देखेंगे कि जात बिरादरी का है? अरे कहीं मर ना जाए, बचा लो, यही तो सोचते हैं सब। हमारे बच्चे ने ये सोच लिया तो तुमने उसी को मार दिया, क्या कर रहा है ये सब है? और सर कहते हैं कि हमने कार्रवाई होगी, लेकिन एक महीना हो गया, 22 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, आज 26 दिन के बाद भी हमारे बच्चे की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें किसी ने नहीं उठाया अभी तक, किसी ने, किसी सर ने। अब ये सोच के आए हैं कि सर जो है हमारी कार्रवाई करें, उन्हें उठवा के ये तो बूझे के ऐसे मार देते हैं और वे धमकी दे रहे हैं। हम मुसलमानों को दुनिया में नहीं रहने देने के, हम हिंदुस्तान में नहीं रहने देने के, ऐसा क्या है? क्या शहीद हमारे नहीं हुए? क्या शहीद हमारे रिश्तेदार नहीं थे? क्या हमारे माँ बाप नहीं थे? कुछ देर पहले घटना हुई थी खांजापुर के अंदर, बहुत दर्द भरी घटना है। उसके लड़के को पीट दिया गया था, आज वो लड़का बदकिस्मती से दुनिया से जा चुका है। उसी को लेकर यहाँ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ मांगी थी, वो मांग पूरी की जाए, क्योंकि वो तन्हा लड़का है, उसके कोई नहीं है, और उसके अंदर तरमीम की जाए और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। सीओ साहब से हमने बात की है, इंस्पेक्टर साहब से बात की है, सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और मैं इन लोगों से वादा कर रहा हूँ अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं थाने का खुद आगे घिराव करूँगा। लेकिन मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग चले, रोड खाली कर दीजिए। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने 15 दिन रहते कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल हो रहा है, देखिए मैं आरोपी अभी तक बाहर हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है, और मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा वादा कर रहा हूँ अगर इसके अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और थाने का घिराव करूँगा। मैं खुद करूँगा अभी जाम वाम लगाने की भी कोशिश की। नहीं, जाम देखे लगा रहे थे, हमने क्या सुन के लोगों से जाम हटवाया, क्योंकि हम लोग जाम लगाने वाले नहीं है, ना तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, लेकिन जिस साथ जुल्म किया जा रहा है अगर उसके साथ इंसाफ नहीं होगा तब हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। आना है 2 सितंबर को खांजापुर गाँव में एक मारपीट की घटना संज्ञान में आई थी, जिसके संबंध में तत्काल खतौली थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। इसी दौरान उस मारपीट में घायल एक व्यक्ति की आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, इसके संबंध में भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी, और इसका जो जिसकी मृत्यु हुई है उसका पीएम कराया गया है। किस तरह की कार्रवाई? जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उसका पीएम कराया गया है, और जो भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है नियम के अनुसार वो की जाएंगी। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।